दोस्तों सिक्किम सीरीज का पहला वीडियो आप लोग देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। मेरे ख्याल में देखना जरूरी है। पहला वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कैसे हम गैंगटॉक पहुंच सकते हैं, कितना खर्च होगा, कहां स्टे कर सकते हैं एंड कहां खाना खा सकते हैं। सिक्किम टूर का पहला दिन गुजर गया था, आइए दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जनार्दन और आप देख रहे हैं टूर गाइड। डे टू पर आप ईस्ट सिक्किम घूम सकते हैं। गैंगटॉक ईस्ट सिक्किम पर ही है। ईस्ट सिक्किम का सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेस है छांगू लेक, नाथुला पास एंड बाबा मंदिर। ये तीनों जगह घूमने के लिए आपको परमिट निकालना पड़ेगा। दो कॉपी पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड एक कॉपी आईडी कार्ड की जेरोक्स लगेगा परमिट निकालने में। पहला दिन शाम को कोई भी टूर ऑपरेटर की ऑफिस जाकर छांगू नाथुला एंड बाबा मंदिर की एक टूर पैकेज ले लेना। एमजी मार्ग पर बहुत सारे हैं ये टूर ऑपरेटर। आप जिस होटल पर रुके हैं उस मैनेजर को भी बोल सकते हैं, वो आपको टूर ऑपरेटर के साथ बात करा देंगे। अगर आप 6 या 7 लोगों का कोई ग्रुप होगा तो एक प्राइवेट कार ले लीजिए। ये तीन जगह के लिए आपका ग्रुप टोटल खर्च होगा 8,000 to 10,000। अगर आप शेयर कैब से जाना चाहते हो तो आपका खर्च होगा 800 to 900 पर पर्सन। शेयर कैब एक कार में 10 लोगों को लेता है। गैंगटॉक से छांगू लेक का डिस्टेंस 45 to 46 किमी, करीबन 2 घंटे टाइम लगेगा। छांगू से बाबा मंदिर 15 किमी टाइम लगेगा, आधा घंटा एंड नाथुला 17 किमी, छांगू से टाइम लगेगा 35 to 40 मिनट। छांगू लेक सी लेवल से 12,400 फीट ऊपर है एंड नाथुला 14,140 फुट ऊपर है। ये तीनों जगह का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। चारों दिशाओं में आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगा। पूरा दिन लगेगा ये तीनों जगह घूमने के लिए। अगर आप फास्ट मॉर्निंग जैसा 7 AM होटल से निकलते हो तब आप ये तीनों जगह अच्छी तरीके से घूमकर शाम को 4 से 4:30 बजे तक होटल वापस आ सकते हैं। सुबह होटल में ब्रेकफास्ट करके जाइए, वहाँ जाकर ड्राई फ्रूट, चाय या कॉफ़ी एंड गर्मा गर्म नूडल्स या मोमो से दोपहर में टिफिन करें एंड गैंगटॉक वापस आकर लंच करें। फिर से 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करके लोकल मार्केट घूम सकते हैं। डे टू आपका गुजर गया। डे थ्री पर आप ईस्ट सिक्किम का लोकल साइट सीन कर सकते हैं। सुबह होटल में ब्रेकफास्ट करके होटल से निकलिए। लोकल साइट सीन में आप घूम सकते हैं हनुमान टॉक, ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से कंचनजंगा क्लियरली आप देख सकते हैं। यहाँ पर भगवान हनुमान जी की मंदिर भी है। नेक्स्ट गणेश टॉक, ये भी एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप पूरा गैंगटॉक सिटी देख सकते हैं। गणेश टॉक की अपोजिट साइड में है हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पर रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, बहुत सारे जंतु आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बंझागिरी फॉल्स, वेल डेकोरेटेड पार्क है ये, बेस्ट प्लेस टू रिलैक्स सम टाइम। इसके बाद है तासी व्यू पॉइंट, ये भी कंचनजंगा की एक व्यू पॉइंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। इसके बाद फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर, ये भी बढ़िया जगह है, 3 से 4 हज़ार प्रकार की फूल यहाँ पर है, फोटोग्राफर लोगों के लिए ये बढ़िया प्लेस है। इसके बाद रूमटेक मोनेस्ट्री, ये शहर से बाहर है बट बहुत ही सुंदर प्लेस। पूरा दिन में आप जितना संभव घूम सकते हो घूम लीजिए। और भी प्लेस है जैसा नामगल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी, भागथंग वाटरफॉल्स, रनका मोनेस्ट्री एंड मेनी मोर। पूरा दिन घूमने के लिए एक कार की रेंट होगा 4,000 to 5,000। शाम को रेस्ट कीजिए, आपका तीसरा दिन निकल गया। चौथे दिन से आप नॉर्थ सिक्किम घूम सकते हो। इस सीरीज़ का अगले वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों पूरा सिक्किम कवर करने के बाद लास्ट वीडियो में आप लोगों को टूर प्लान डिवाइडेड कर दूंगा, जैसा 5 day 4 night, 3 day 2 night या 7 day 6 night, अलग अलग तरीके से डिवाइडेड कर दूंगा। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। ये इसलिए अगर आप कोई प्लान ना करके निकल पड़े तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, वहाँ जाकर हेडेक बढ़ेगा एंड आपका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए प्लान करके जाइए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए,
मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।